अब जेल तो भाई गरीब और गरीब का नेता ही ना गया है। बिहार में 80 घोटाला हो गया अब तक, कहां कोई मंत्री या अधिकारी जो है जेल गया। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा केस में चारा घोटाले मामले में दोषी करार दे दिया गया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के राजद कार्यालय में अपना बयान दिया और सीधे तौर पर कहा कि नीतीश सरकार में 80 घोटाले हुए, लेकिन आज तक ना तो नीतीश कुमार के कोई नेता और ना नीतीश कुमार जेल गए, लेकिन गरीब का बेटा और गरीब का नेता को ही जेल हो रहा है। देश में कई घोटाले हुए, कई लोग ऐसे हैं जो पैसे लेकर देश से भाग गए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर हमला किया नीतीश सरकार पर और प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए, जब लालू प्रसाद यादव को रांची डोरंडा केस मामले पर जो है दोषी करार दिए गए, उसके बाद तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार और देश में कई घोटाले हुए, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन लालू प्रसाद यादव गरीब के नेता हैं और वो गरीब के बेटा हैं, इसलिए उन्हें बार बार जेल भेजा जा रहा है। और क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद, जरा वो बयान सुने। क्यों मिला है? अब जेल तो भाई गरीब और गरीब का नेता ही ना गया है। जो अमीर हैं, जो बड़े लोग हैं या उनके बड़े लोगों के जो नेता हैं, उन पे कभी कार्रवाई हुई है क्या? बिहार में 80 घोटाला हो गया अब तक 15 सालों के अंदर नीतीश जी के राज में, लेकिन कहाँ किसी पे कोई कार्रवाई, कहाँ कोई मंत्री या अधिकारी जो है जेल गया। या देश की अगर बात की जाए तो ये तो सोचने का विषय है कि भाई जो मुद्दा ही था उसको आप लोगों ने मुद्दा ले बना दिया। ये तो ये सारा विषय हम लोग सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और देश की जनता तो ये भी देख रही है ना। चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, या दो दिन पहले ही 23,000 करोड़ रुपया लेके जो भागे गुजरात के लोग, इन पे थोड़ी ना कार्रवाई हो सकती। या यार्ड में ड्रग्स मिला कितने हजारों करोड़ का, कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं ना। तो सब लोग तो जानते ही हैं कि भाई जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मात्र अब बीजेपी का एक पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे काम करता है, वही प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। तो इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है, ये लोग देख रहा है। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुई है, और जनता की अदालत में लालू जी कभी भी गुनहगार नहीं थे, ना है और कभी भी नहीं रहेंगे। जनता ने सर आंखों पे बैठाया है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी, गरीबों की पार्टी, समाजवादियों की पार्टी, जो अमन चैन एकता पसंद करते हैं उनकी पार्टी, तो बिहार की जनता ने इतना बड़ा वोट बैंक अपना आशीर्वाद दिया। तो इसमें निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा होपफुल हैं कि ऊपरी अदालत से लालू जी को न्याय जरूर मिलेगा। आप तो आजकल तो कुछ भी कह दीजिए तो केस मुकदमा हो ही ना। बताइए ना, हम तो पहले भी कहते थे, मेरा बिना मूंछ के ही हम पे जब मुकदमा हो गया, चार्जशीटेड हो गए, कैसे हुए? तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर कहा कि गरीब का बेटा, गरीब का नेता को ही जेल हो रहा है। जो गरीब की लड़ाई लड़ रहा है, गरीब की आवाज़ों को बुलंद कर रहा है, उसे ही जेल हो रहा है। लेकिन आज तक ऐसे कई घोटाले हुए, 80 घोटाले बिहार में हो चुके हैं नीतीश सरकार में, ना तो उन्हें कोई जेल हो रहा है और ना ही कोई दोषी करार दिए जा रहे हैं। लेकिन जब गरीब का बेटा आवाज़ को बुलंद कर रहा है तो उन्हें जेल हो रही है। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा। वहीं आज जो है जो डोरंडा केस मामले में लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद फैसला 21 तारीख को आएगा कि क्या सजा उन्हें सुनाया जाएगा। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जानकारियां दी पटना के राजद कार्यालय में। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहें दैनिक न्यूज़।